organized by COTTONGURU with full support from IMC and city as our mission partner. FSII, the Federation of Seed Industries of India, as our farmer partner, and Edelweiss as our forex partner. During the course of the conclave, I will tell you how these partners have played a pivotal role in transformation that has been coming in the cotton and the textile industry, and why all of us together are here today, and what difference we can make to the situation that we have today. I would like to start with the Sanskrit shloka. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit urdhvar bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti hi. इस जगत में अगर सुख चाहिए तो सुख देना होगा. कितने extraordinary words है जिनको कोई टाइम लैग नहीं है. हजारों साल पहले लिखे गए ये गीता के शब्द किसी भी काल में उतने ही वैलिड है कि अगर सुख चाहिए तो सुख देना होगा, शांति चाहिए तो शांति देनी होगी, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना होगा, ऐसे ही समृद्धि चाहिए तो समृद्धि देनी होगी. वी हैव टू शेयर प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी लाइंग विद इन अस इज नॉट सस्टेनेबल. अगर अपनी ही प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की लाइफ बढ़ानी है तो देना होगा. और इसी देने के हेतु से जो हमारे कुछ थॉट लीडर्स साथ में मिले और इस उनके आशीर्वाद से, स्पेशली श्री सुरेश भाई कोटक, चंद्रशेखर जी, अतुल भाई, अरविंद जी सिन्हा, इन लोगों की प्रेरणा से हम इस ओकेशन को एक और सीरीज में आगे लेके जा रहे हैं, कॉटन कॉन्क्लेव, वेर वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द स्टेक होल्डर्स. द स्टेक होल्डर्स नहीं, ऑल द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बार हमारा ये माइंडसेट है कि स्पिनिंग से शुरू होती है. सर, स्पिनिंग से नहीं, जिनिंग से नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फार्मर से शुरू होती है. विदाउट द फार्मर वेयर इज द रॉ मटेरियल. 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉटन. अगर उसी को अगर हम पार्टनर नहीं बनाएंगे और उसको आउटकास्ट समझेंगे तो हमारा प्रोग्रेस किसी हालत में नहीं पॉसिबल है. तो ये समृद्धि जिनर तक, किसान तक ले जानी होगी, यही समृद्धि ब्रांड्स तक हमें टिकानी होगी, तो ही इस देश की प्रॉस्पेरिटी में हमारा योगदान होगा. गवर्नमेंट पे लोड कम होगा, गवर्नमेंट पे बर्डन कम होगा, तो उनके पैसे जो हमारे टैक्स के पैसे और अच्छी जगहों पे स्पेंड होंगे. व्हाट वी वांट इज देयर इज सो मच टू डू, सो व्हाट कैन वी टुगेदर कंट्रीब्यूट टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड टेकिंग इट अप टू द टारगेट दैट वी हैव इन माइंड. सो इस संस्कृत श्लोक से शुरू करने का हेतु ये था कि इस कड़ी को एक हार कैसे बनाएं, एक हीरे जो है उसको एक माला में पिरो के एक हार कैसे बनाएं. आप एज अ वैल्यूअर आई कैन से द ओनली सर्टिफाइड कॉटन वैल्यूअर इन इंडिया. हमारे दादाजी कहते थे कि तीन सफ़ेद चीज़ों की वैल्यूएशन करना बहुत बहुत मुश्किल है. इट्स अ चैलेंजिंग टास्क टू इवैल्यूएट डायमंड, राइस एंड कपास. आप कभी भी इसमें अगर सही पड़ गए तो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, पर गलत पड़ गए तो लाखों करोड़ गवा सकते हैं इन तीनों चीजों में. तो हम कपास जैसी चीज में हैं जिसकी वैल्यूएशन, जिसकी वैल्यू हमने जिस दिन समझ ली तो हमारे लिए पैसों की खान ही नहीं, हमारे लिए सुख समृद्धि सभी लाइन लगा के खड़े होंगे. 7000 वर्षों का लिखित इतिहास है कपास का और टेक्सटाइल का भारत में. किसी भी विदेशी देश में जाके पहले की हिस्ट्री देख लीजिए कि कपड़ा कहाँ से आया था. एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ की आप हिस्ट्री देख लीजिए. इंडिया टिल द 12th सेंचुरी वॉज अ लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अ लीडिंग इकोनॉमी. 12th से 19th सेंचुरी में हम थोड़े थोड़े नीचे उतरते गए. 19वीं सदी के बाद हम कहीं अपना रास्ता चूक गए. आज 21वीं सदी में भारत उसी ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है. वी आर टुडे वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस रूट पे अपने आप को पैरेलल कंट्री के साथ में चलाने के लिए सक्षम है? अगर है तो आज
हमें ये प्रूव करना होगा, अगर नहीं है तो व्हाट इज मिसिंग, उस लिंक को हमें लाना होगा, क्योंकि देश तो आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, पर हम अगर पीछे छूट गए तो ये ऐसी रेस है जहाँ पे स्लो चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इधर हम रेस में हैं या हम रेस के बाहर हैं। तो इसी उद्देश्य को लेके कि अगर फार्मर को इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाते हैं, अगर जिनर की खुशी और समृद्धि को भी नज़र में रखते हैं, और स्पिनिंग और गारमेंटिंग वीविंग इंडस्ट्री पे अगर गवर्नमेंट का फोकस है, तो सही मायने में ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सपोर्टिव इंडस्ट्री बन सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट बोलते हैं लेकिन फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी काफ़ी हद तक टेक्सटाइल पर डिपेंडेंट है। तो इट इज स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इस ताकत को, जो मैन पावर भारत की ताकत है, कपास भारत की ताकत है, इस ताकत को लेके हमें आगे बढ़ना है। कपास को सफेद सोना ऐसे ही नहीं कहते थे, वाइट गोल्ड। हमारे दादाजी कहते थे कि अगर किसी कपास वाले किसान के घर पे लड़की देखनी है, लड़की चाहिए हो, लड़के की शादी करनी हो, और बाजार में बात आए कि इस लड़के के लिए लड़की देख रही है, एक दिन भी नहीं लगता था। तब मोबाइल भी नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे, लेकिन कपास का किसान है ना तो पैसा तो होगा ही। दैट इज अ हैप्पी फैमिली, दैट इज अ प्रॉस्परस फैमिली। तो इतना टेकन फॉर ग्रांटेड था कपास का किसान। हम बोलते कपास का किसान सुसाइड क्यों करता है, दूसरे काम नहीं है क्या? आप सोचो, इस महाराजा की सीट पे बिठा के अगर जमीन पे उतार देंगे तो उसको सहन करना ईजी नहीं है। आज किसान की हालत ये है, आज बाहर वाले अभी भी ये समझते हैं कि कपास के किसान के पास बहुत पैसे हैं, घर में पैसे बहुत दबा के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और इतने साल में अभी मैं किसानों के साथ में काम करके ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में 70% किसान को अभी भी हमारी डायरेक्ट मदद की ज़रूरत है। इनडायरेक्ट तो हमने बहुत कुछ कर लिया, करते भी हैं, लेकिन डायरेक्ट हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाना है तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा। 1% इंटरेस्ट बैंक में कम कराने के लिए 6-6 लोगों की टीम लगाते हैं हम, कि 1% से साल में इतना फायदा हो जाएगा, तो 60% जो अपना रॉ मटेरियल है उसमें हमें कितनी ताकत लगानी चाहिए अगर वो रिस्क में है तो। आज CIE के डायरेक्टर्स प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं, बहुत सारे फार्मर्स साथ में, आपको उनके साथ में शेयर करके बताऊंगा कि क्रॉप की पोजीशन रियल में क्या है, कहाँ हम जा रहे हैं। CCI के CND साथ में हैं, पाशा भाई भी हमारे बीच में हैं। तो किसान क्या अगर वाकई में इतना खुश और समृद्ध है तो फिर उनकी हालत ऐसी क्यों है? और अगर हम कपास के किसान के लिए कुछ कर लेते हैं तो सीन कैसे चेंज हो सकता है? हाउ कैन वी रेडिकेट एम्प्लॉयमेंट इश्यूज फ्रॉम इंडिया इफ वी ओनली सपोर्ट द फार्मर? ये इकोनॉमिक्स पे हमें स्टडी करना है। सुरेश भाई कोटक बहुत सालों से इस पे स्टडी करते आ रहे हैं, अरविंद जी सिन्हा बाहर जा जा के ये सब देखते आ रहे हैं कि स्केलिंग अप में क्या फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अमृता जी देशमुख महाराष्ट्र का हाइएस्ट यील्ड लेते हैं, वो किसान हमारे बीच में है यहाँ पे, पर ये एक 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 इंडिविजुअल रहे, क्या हम इसको पूरे अक्रॉस द सप्लाई चेन बांट सकते हैं? ऐसे एग्जाम्पल एक एक क्यों हैं? वाई आर वी नॉट मैनी इन दैट सेगमेंट? तो इसी बात पे आपको सोच विचार करने के लिए मजबूर करना ये मेरा हेतु है, और यहाँ से ही कुछ रास्ता ढूंढना, बिकॉज देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी। और इसी डाइवर्सिटी में जो इंडिया की स्ट्रेंथ भी है और हमारी आज की उसको ताकत को नींव बनाकर, एक फाउंडेशन बनाकर, लेट अस लिव विद द फैक्ट दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 6 lakh villages. Why not? India is a country of 70% smallholder farmers. Why not? क्या बुराई है इसमें? ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता है? तो है, हम 2008-09 US में इतना बड़ा recession हो गया, India उससे बच गया, because we are an agro economic country जो SMEs और agriculture से भरी हुई है। अगर वो नहीं होता तो हम भी वो इंडस्ट्रियल सेटबैक और जो पेपर, जो घरों के सिर्फ पेपर बांटे गए थे, पैसे कहीं नहीं थे, उस जो सेटबैक को US जैसा सुपर पावर भी नहीं फेस कर पाया, बट इंडिया डाइजेस्टेड, इंडिया डाइजेस्टेड इट।
आज इतने इकोनॉमिस्ट हमारे बीच में, अजीत जी हैं, सजल जी हैं, वो आपको कभी भी बता सकते हैं कि अगर वो इंडिया में एग्रो इकोनॉमी और ऐसे में नहीं होते तो इंडिया की हालत क्या हो सकती थी, अभी भी क्या हो सकती है। तो इसी थॉट को आगे लेकर कॉटन कॉन्क्लेव 2019 में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे किसान हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, CCI है, CAI है, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, और पूरी अक्रॉस सप्लाई चेन हमने लोगों को इनवाइट किया। आप सभी आइए, अपने विचार शेयर कीजिए। यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं होगी, एक इंटरैक्टिव सेमिनार रखना ये हमारा उद्देश्य था और है और रहेगा। और आपके जितने जितने एक्सपर्ट व्यूज है, पर प्लीज़ डोंट हाईलाइट प्रॉब्लम्स, प्लीज़ हाईलाइट सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशन की बात करें, आप खुद को कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, उस पर बात करें, बिकॉज वी आर हियर फॉर सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम बहुत है लेकिन सॉल्यूशन के बिना ये तंत्र, ये संसार नहीं चल रहा है, उसी से चल रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के बावजूद इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पर आ सकता है, ये कितना आ सकता है ये समझना है। क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह ले पा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को दिख रही है, तो क्या ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिख रही है? क्या इन्वेस्टर्स का माइंडसेट भी उसी तरह का है? ये कुछ इन्वेस्टर्स हमारे बीच में हैं, वो आपसे शेयर करेंगे कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोचते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। कुछ लिस्टेड कंपनीज हमारे बीच में हैं, वो शेयर करेंगे कि वो किस पथ पे चल रहे हैं कि लिस्ट होने के बाद उनको इतना अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो रहा है। तो ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। एक साइड फार्मर है और एक साइड इन्वेस्टर है, इस हॉल में वो सभी हैं। तो यू आर ऑल, ईच ऑफ यू अ थॉट लीडर, इसीलिए आप यहाँ हैं और इसीलिए आपका कंट्रीब्यूशन इन सॉल्यूशन गिविंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब एक वाइट पेपर यहाँ से निकालेंगे, लास्ट ईयर का वाइट पेपर आपको जो मैगजीन मिली है उसके अंदर प्रिंटेड है, आप उसको देख सकते हैं। उस वाइट पेपर में क्या क्या चीज़ें आप ही लोगों के अमृत मंथन से आई हुई हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ थॉट लीडर्स लाइक यू, दैट हैज गिवन अस द इंस्पिरेशन टू डू दिस अगेन। और यहाँ से आपके ही साथ और सहयोग से अगर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं तो इसका कोई मायना है। हम सिर्फ गेट टुगेदर चाय कॉफ़ी खाने के लिए नहीं जमा हुए हैं। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, वी हैव टू ग्रो एंड वी हैव टू मेक अदर्स ग्रो। ये इंटेंशन है इस कॉन्क्लेव का। इसमें 2-3 सेक्शंस होंगे, देयर विल बी सम प्रेजेंटेशन, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, के हम कॉटन का यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये कोई चलता फिरता आदमी नहीं कर रहा है, ये फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड की बेस्ट सीड कंपनीज मिलजुल के, उनको कुछ ऐसा लगा कि ये हो तो कैसा करके, तो उनका प्रेजेंटेशन है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जानने वाली चीज़ है। कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी है, वो कैसे एक्सपोर्ट में पैसा कमा के कंट्री को और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकती है, उस पर कुछ डेलिब्रेशन होगा। कॉटन की इकोनॉमी मैंने बताया कि कैसे कॉटन की इकोनॉमी का, अगर ये हमने भंडार खोल दिया, चाबी हमारे पास है, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, हम कपास इंडस्ट्री में हैं, वो चाबी तो है हमारे पास, पर ताला खोलना आज ज़रूरी है। वो अगर इकोनॉमिक्स का भंडार का अगर ताला खुल जाता है तो आपको वहाँ पे 100% कुबेर का खजाना दिखेगा, ये मेरा दावा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ लेटेस्ट इनोवेशंस टेक्सटाइल्स में, कपास में, फार्मर के लिए क्या हुए हैं, ये हम शेयर करेंगे आपके साथ में। तो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए कॉटन गुरु, मैंने बोला इतना सब, अभी लास्ट ईयर जैसे कॉन्क्लेव में आए थे, प्रकाश वाइट गोल्ड नाम के एक जीनिंग फैक्ट्री को हमने अवार्ड दिया बेस्ट जीनिंग फैक्ट्री। अब उस जीनिंग फैक्ट्री के बारे में 99% लोगों ने सुना नहीं था। मैंने उस जीनिंग फैक्ट्री को एक बार देखा, मैं उस फैक्ट्री में गया, हाईवे से जा रहा था नागपुर रोड पे, और फ्लाईओवर से मैंने देखा कि ऐसी एक बहुत अजीब शेप की बिल्डिंग थी, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेप। तो ड्राइवर को मैंने पूछा तो बोला ये तो जीनिंग फैक्ट्री है सर, इधर लोगों को आते जाते मैंने देखा है। तो आई टोल्ड हिम वहाँ ले जाइए मुझे उस फैक्ट्री में, जाके मैंने उस मालिक से मिला मैं, तो उन्होंने मुझे बताया मैंने एक मर्सिडीज बेंज का शोरूम देखा था और शोरूम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोच लिया कि मेरी जिनिंग फैक्ट्री उस शेप की बनाओ, व्हाट अ थॉट। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जिनिंग में तो आ गए, लोग जिनिंग से निकल रहे हैं, व्हाई आर यू एंटरिंग दिस इंडस्ट्री? तो वो बोले सर इस इंडस्ट्री में मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिखी है एज एन APMC डायरेक्टर, मैं आपको बोल नहीं सकता पर समय ही बताएगा करके। तो उनका थॉट, जो मैंने उनकी मशीनरी देखी जो उन्होंने इंस्टॉल की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उनको मैंने
रिक्वेस्ट कि आप जरूर मुंबई आइए हमारे कॉन्क्लेव में, और कॉन्क्लेव में हमने उनको अवार्ड दिया इस पूरे साल 2018-19 में, पूरी सीजन में हर एक लॉट में जो उन्होंने बनाया 24,000 घाट में उन्होंने प्रीमियम जनरेट किया है। आप एक जिनिंग फैक्ट्री इंडिया में बता दीजिए जो हर लॉट में प्रीमियम जनरेट करती हो, जिनर रो रहे हैं कि हमारी पैरिटी के पैसे नहीं मिलते, और चार महीने अक्टूबर से जनवरी के बहुत ही मंदी के रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री के लिए। ऐसे माहौल में उन्होंने प्रीमियम जनरेट किया, ओवर सोल्ड जैसी उनकी स्थिति हो गई थी मंदी में भी। ऐसे ऐसे लोग हैं, अमृत राव जी देशमुख जो लास्ट टाइम हमने इनको बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया, महाराष्ट्र में हाईएस्ट यील्ड लेते हैं, आज हमारे बीच में हैं। उन्होंने हमारे साथ में ट्रैवल करके 20,000 फार्मर को मिले, वो 42 वर्कशॉप उन्होंने 600 गांव में हमारे साथ में वो घूमे हैं, और ऐसे तो वो और भी घूमते रहते हैं, करीबन 15,000 फार्मर उनके खेत में आते हैं। अनिल जी हुबली से हैं, अनिल कुमार एंड कंपनी से, कर्नाटक से ईएलएस कॉटन में है डीसीएच में, उन्होंने लास्ट ईयर हमारे कॉन्क्लेव में आए थे। उसके बाद उन्होंने सीड पे अपना होमवर्क किया, सीड पे रिसर्च किया, वहाँ के कर्नाटक सीड एसोसिएशन को साथ में लेके प्रोग्राम किए। तो ऐसे ऐसे हीरे यहाँ पे हैं जो कॉन्क्लेव अटेंड करने के बाद एक स्टेप भी, दो स्टेप भी, चार स्टेप ऊपर गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी जो हीरे हैं आप उतने ही स्टेप ऊपर जाओ, और नेक्स्ट ईयर आके आपकी स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करो, ताकि हम और लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब आप बोलेंगे आपने तो इतना सब दूसरों के बारे में बताया, कॉटन गुरु ने क्या किया, आपने तो भाषणबाजी की होगी लास्ट ईयर और अभी भी कर रहे हैं, व्हाट डिड यू डू? सर गांव में किसानों के साथ में रहकर मैंने उनके साथ में गाना सीखा, मैंने उनके साथ में खाना सीखा। एक गाना जो महाराष्ट्र के गांव में मैं जो 3-4 रात जहाँ रुका था वहाँ वो रोज सुबह उठ के बजाते थे, उसी से वो सुन के उनके बच्चे उठ जाते थे। उनकी दो लाइन आपके साथ शेयर करूँगा। प्रभाती सूर्यनभिरंगति दश दिशा भूपाड़ी मणती प्रभाती कृषि वरांची हाक ऐकुनी मोट धावती शेता मधुनी कृषि वरांची हाक ऐकुनी मोट धावती शेता मधुनी पक्षी अपल्या मधुर स्वराने पक्षी अपल्या मधुर स्वराने झाडावर बोलती प्रभाती सूर्य नभिरंगती दश दिशा भूपाढ़ी मणती। पाशा भाई ऐसे गाने सुन के अगर बच्चे सुबह जगेंगे तो आप सोचो उनको कितना इंस्पिरेशन होगा।